रुक जाओ। रखिए, इस खत को आग पर रखते ही खत लिखने वाले की आवाज सुनाई देगी और उसकी शक्ल भी दिखाई देगी। मशाल लाया जाए। मैं जिशान की बीवी सोफो निस्बा इकरार करती हूँ कि मैंने ही अकरम, जिशान के माँ बाप और उसकी बहन मासूमा का खून किया है। अब मैं इमरान को मारूंगी, फिर जिशान, आबिदा की माँ और आबिदा के बाप आमिर को मारने के बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। फिर मैं अपने आप को जादूगर सपेरे के हवाले कर दूंगी। ये तो बड़ी हैरत अंगेज तिलिस्मी गवाही है। ये इस बात का सबूत है कि खून सोफो निस्बा नहीं किए हैं, मगर ये तो तिलिस्मी सबूत है। मुझे कातिल जिंदा सबूत की शक्ल में चाहिए, जिसका मतलब है कातिल खुद कहे कि कत्ल और खून आबिदा ने नहीं किए हैं। शोहर का घर बर्बाद किया, चल। मेरी बात छोड़ दे, मेरी जान निकली जा रही है। निशान, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, सलील कमीनी खूनी टाइन। हुजूर, हुजूर, ये है असली कातिल गुनाहगार, मेरी बीवी सोफो निस्बा खूनी टाइन। मैं कातिल हूँ। मैंने ही तेरी माँ बाप, तेरे भाई इमरान, तेरी बहन मासूमा का खून किया है। मैंने ही अकरम की जान ली है। शहर में जितने भी खून हुए हैं सब मैंने ही किए हैं, सबको मैंने मारा है। मैं कातिल हूँ, मैं डाइन हूँ। सुन लिया हुजूर, सुन लिया। कातिल ने खुद इकबाल जुर्म कर लिया है। जिशान के खानदान के सब लोगों को इसी कातिल सोफो ने मारा है, लिहाजा बुजुर्ग आमिले कामिल और आबिदा को रिहा किया जाता है। और कातिल सोफो निस्बा को जहर पिलाकर मौत की सजा दी जाए। नहीं, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जहर मत पिलाओ, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चुप, हरामजादी कमीनी, बदरू हुसैन। या अल्लाह।
मैं शरारा गुल हूँ, दिन में इंसान और रात में नागन बन जाती थी। इस सांप के जहर ने मुझे नई जिंदगी दे दी। शुक्रिया मेरी दुश्मन आबिदा, आमिल शुक्रिया। अच्छा हुआ ये बला यहाँ से गई। अब तुम सब सब अपने अपने घर जाओ। नहीं, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वरना ये इंसानों का खून पीती रहेगी, ये शादियाँ करती रहेगी, घर बर्बाद करती रहेगी, लोगों का खून पीती रहेगी। ऐसी खूनी बदरू टाइम को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसी औरत को मार देना ही अच्छा है। वो सांप बनकर उड़ गई, तुम लोग उसे ढूंढोगे कहाँ? सिर्फ एक ही जगह है और वो है जादूगरनी मरीखा का तहखाना। वहाँ तक इंसान का पहुँचना मुश्किल है। हम पहुँचेंगे अब्बा जान, हम पहुँचेंगे। मेरी शरारा गुल आ गई, सोफो निस्बा आ गई। वाह, मान गए सोफो निस्बा, कल तक तू जिशान की जिंदगी को धोखा देती चली आ रही थी और आज तो तू मौत को धोखा देकर भाग आई है। वाह शाबाश, मगर तुम दोनों ने मेरी कोई मदद नहीं की। जब हमने देखा कि तू अपनी मदद अपने आप कर रही है तो फिर हम क्या तेरी मदद करते। तूने वो ढोंग रचाया कि उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि तू सांप का जहर पीकर भाग जाएगी, वरना वो तेरी गर्दन काट डालते हैं। तू चिल्ला रही थी कि तू मरना नहीं चाहती, तू जहर नहीं पीना चाहती, और उन्होंने तुझे सांप का जहर पिला दिया। तेरा ढोंग कामयाब हुआ और तू वहाँ से भाग निकली, फिर हम क्या तेरी मदद करते। मगर अब तो कुछ करो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अगर वो अल्लाह वाला आमिल, उसकी बेटी आबिदा यहाँ आ गए तो वो अपने पाप जलाली इल्म से वो शैतान की बेटी को जलाकर राख कर देंगे। क्या ख्वाब की बातें करती है सोफो निस्बा, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो फिर आमिल और आबिदा यहाँ कैसे आ जाएंगे? हाँ चालाक लोमड़ी, तू इस घमंड में मारी जाएगी और अपने साथ मुझे भी मरवा डालेगी। चुप रह डरपोक गायन, अब क्यों डरती है तू? अब तो तेरी दोस्ती मौत से हो गई है। अरे बेवकूफ जादूगरनी मरीखा, मौत जिसकी दोस्त होती है जिंदगी उसे नहीं मिलती, तू समझती क्यों नहीं? मौत ने एक बार मुझे छोड़ दिया, मगर वो आबिदा वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मैंने उससे उसका होने वाला शौहर, उसका घर छीना था, अब वो मुझे मौत की नींद सुलाकर ही चैन की नींद सोएगी। देख देख अपने तिलस्मी आईने में कि वो आबिदा आमिल और जिशान क्या कर रहे हैं। हाँ ये ठीक कह रही है, देख जल्दी जाकर देख अपने तिलस्मी आईने में।